Ya diye आवाज क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है बेटा। एक बार री लॉग इन कर लिया है मैंने उसको, अभी भी तो अब तो क्लियर होनी चाहिए एक बार। अरे प्रिया क्लियर है। रोहित बेटा चेक करो फिर आप। लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में क्या कराया था? बेटा चैप्टर का नाम तो बता दो। अच्छा एग्जाम्पल 2 करा दिया था तो
मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जाम्पल 5 करने को दिया होगा मैंने, करा दिया वो तो बता दिया, दिया क्या वो भी तो बताओ। एग्जाम्पल 5 दिया होगा और क्वेश्चन नंबर 18 और 24 दिया होगा। एग्जाम्पल 7 दिया होगा, एग्जाम्पल 8 दिया होगा। हाँ 5, 7, 8, 18, 24 करेक्ट। कर लिए, क्वेरी है इनमें कोई? हाँ बोलो। जो भी बोलो भाई, सर मुझे ये समझ नहीं आया, आप एक बार एग्जाम्पल 5 बता दो पहले। क्या समझ नहीं आया? कल एग्जाम्पल कराया तो था मैंने। रिया, कोई है जिसने एग्जाम्पल 5 कर लिया? गाइस कोई है क्या जिसने एग्जाम्पल 5 कर लिया? जल्दी बोलो यार, इतना देर क्यों लगाते तुम लोग? बहुत अच्छी बात है। वेर एक्स इज ग्रेटर देन -1। N is दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, ग्रेटर एंड इक्वल है ना, तो इक्वल तो आ ही रहा है, ग्रेटर नहीं आ रहा तो क्या हुआ? दोनों में से एक सेटिस्फाई होना कंपलसरी है, तो हो रहा है तो क्या लिखेंगे?
और एम इज इक्वल टू वन। नाउ लेट for n is equal to k. Then we have to prove the given statement is also true for n is equal to k plus 1 at n is equal to k plus 1. One plus kx from LHS. Take a step little better. From equation 1, 1 plus x की पावर k को 1 plus kx लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू को मैं 1 plus kx लिख रहा हूं, ठीक है? अगर अब ये हो गया है तो सिंबल भी चेंज होगा ना। ये वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर एंड इक्वल है, ठीक है? इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ये 1 प्लस के 1 जो आएगा बेटा ऐसे आएगा। ये अब ये लाना है हमको। चलो इसको, मैंने कहा था ऊपर वाली स्टेप ग्रेटर है, लेकिन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं खाली, तो इक्वल आएगा। अगर इस टर्म को मैं हटा दूं तो ऑब्वियसली ऊपर वाली टर्म क्या बड़ी है ना, इस टर्म को अगर यहाँ मैं ये लिखूँ 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ऑब्वियसली होगा ना 2 से, 2 प्लस 3 जो है वो बड़ा ही तो होगा 2 से। तो अगर मैं इस टर्म को यहाँ से हटा रहा हूँ तो रिजल्ट क्या होगा, नीचे वाला लेसर होगा ऊपर वाले से, ठीक है? तो रेशियो यहाँ तक और ये मिलाना था। रुको रुको रुको, ये 1 है ना कि k है, ठीक है? और ये मिलाना था तो क्या आ गया हमारे पास, दोनों सिंबल को कमाइंडली लिखेंगे तो ग्रेटर एंड इक्वल लगाना पड़ेगा। n is equal to k plus 1 implies
इज ऑलवेज ट्रू। और एन ग्रेटर देन माइनस वन, एन एक्स, सॉरी एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। आई होप क्लियर होगा। कॉपी करो। मेरे साथ मजा आ ठीक एग्जाम्पल 7 ट्राई करो इसके जस्ट बाद में।
एग्जाम्पल 7 हो गया विकास। विकास प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन स्क्वायर बाय 3, एन क्यूब बाय 3, वेयर एन इज बिलोंग्स टू एन। लेट पी एन इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n square is greater than n cube by 3। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। एट n इज इक्वल टू 1, पी वन इज 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 क्यूब बाय 3 इम्प्लाइज्ड 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय 3 इम्प्लाइज्ड लिखना, तुम लैंग्वेज में लिखना। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू k। At n is equal to k, k square greater than k cube by 3, equation number 1, then we have to prove the given statement is also true for n is equal to k plus 1. Right, n is equal to k plus 1. pk plus 1, 1 square, 2 square, 3 square and so on, plus k square plus k plus 1 pi square is greater than k plus 1 ka cube by 3। पहले चेस्ट लो। ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो। ये पूरी वैल्यू अगर मैं उससे प्लेस करूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा ना। सॉल्व करो,
क्यू प्लस 3K² प्लस 3K प्लस 3 प्लस 3K, 6K चाहिए था ना, 3K को अलग कर दिया, 1/3 के प्लस 1 का क्यूब प्लस 3K, 1/3 के प्लस 1 का क्यूब प्लस के, डिवाइड लगा दिया और अलग कर दिया। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, 1/3 के प्लस 1 का क्यूब, इससे ग्रेटर ही होगी ना ये वैल्यू, क्योंकि तो मैंने के हटा दिया, के कम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नीचे कम वैल्यू आएगी। इम्प्लाइज 1² 2² डैश डैश के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3। इम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। इम्प्लाइज द गिवन स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, सॉरी n बिलोंग्स टू कैपिटल n। फिर तो आप कर लोगे एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करो, अभी करो, और 24 को ट्राई करो फटाफट विद इन 10 मिनट्स, जल्दी करो।
हाँ रोहित, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया क्या आपका? और किसका हो गया? बस एक ही बच्चे का हुआ है। अच्छा ट्राई करना एक बार घर पे आओ। चलो एग्जाम्पल फोर देखो क्या कह रहा है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन प्रूव दैट 7 रेज़ टू द पावर n -3 रेज़ टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4। Divisible by 4 at n is equal to 1। डिविजिबल बाय 4 7 रेज़ टू द पावर 1 -3 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 इज डिविजिबल बाय 4 ऑब्वियसली। नाउ लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k at n is equal to k 7 raised to the power k minus 3 raised to the power k। obviously अगर ये डिविजिबल है 4 से तो ये 4 का मल्टीपल होगा। अब 4 का मल्टीपल होगा तो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे आ रहा है लैम्डा 4 या 4 लैम्डा व्हाट एवर इज दैट। कोई दिक्कत तो बोलो। मैं किसी को कोई इश्यू यहां तक फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 देन वी हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर
एट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, पी के प्लस वन, सेवन इज टू द पावर के प्लस वन, माइनस थ्री इज टू द पावर के प्लस वन, वो लैम्डा डैश मान रहा हूं मैं इसको। क्यों भाई? वो लैम्डा है, लैम्डा डैश होगा एक, अगर वो के लिए था तो के प्लस वन के लिए है, तो मल्टीपल तो इंक्रीज होगा ही थोड़ा सा। तो टू मानो कोई नम, अगर मैं पहले वो थ्री टाइम था तो फोर टाइम होगा या कुछ तो बढ़ेगा, तो हमने लैम्डा डैश ले लिया उसको। ठीक है ना, एल एच एस से इट कैन बी राइट लाइक दिस, फ्रॉम इक्वेशन वन सेवन के की वैल्यू क्या आ रही है, फॉर लैम्डा प्लस थ्री के मल्टीप्लाई विथ सेवन एज इट इज, थ्री रेज टू द पावर के डॉट थ्री, सॉल्व करो, फोर डॉट सेवन लैम्डा, सेवन टाइम्स थ्री के माइनस थ्री टाइम्स थ्री के, फोर टाइम्स सेवन लैम्डा प्लस सेवन टाइम थ्री के में से अगर मैं थ्री टाइम थ्री के को लेस करूंगा तो फोर टाइम थ्री के बचेगा, फोर कॉमन, सेवन लैम्डा प्लस थ्री के, इसको हम लैम्डा डैश कह सकते हैं क्योंकि अगर ये फोर पूरा वैल्यू तो फोर का मल्टीपल आ गया, नहीं डिसेबल है फोर से, तो लैम्डा डैश वेयर लैम्डा डैश इज सेवन लैम्डा प्लस थ्री के इम्प्लाइज्ड the given statement also true for k plus 1 implies given statement is always true for n belongs to capital N. कॉपी करो फटाफट।
एग्जाम्पल नंबर सिक्स, लेट पी एन इज दैट टू रेश पावर टू रेश टू दावर सेवन रूट टू डॉट सेवन रेश पावर एन प्लस थ्री डॉट फाइव रेश पावर एन माइनस फाइव इज डिविजिबल बाय 24 वेयर एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन. कॉपी कर लिया क्या? टेन इज इक्वल टू वन. क्या सॉल्व करो? Divisible by 24. For n is equal to 1. Now that the one statement is also true for about n is equal to k. Ratio of that, sorry, 24 lambda. किसी को भी कोई इश्यू तो बोल सकता है. Then we have to prove is also true for
n is equal to k plus 1. Here underscore lambda dash LHS. It can be write like this. टू डॉट सेवन इश्यू टू पावर के की वैल्यू पुट करो यहां से. थ्री फाइव जा 15 थ्री के माइनस 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 24.7 lambda minus 37s are 21, 5 raised to the power k plus 7.5 plus 15.3 raised to the power k minus 5. Five k, 3 k. Sorry. यहां तक कोई इश्यू तो बोलो. पूरा यूनिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला. दो मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, देखो. क्या रह गया? 6.5 के, ठीक है, और माइनस 7 मिनट 35 और माइनस 5 30. It can be write like this. This is a number है. अगर मैं इसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं यहां पे, अब चेक करो, इसको सॉल्व करो एक बार. केस भी करो, क्या आएगा? 25 माइनस 5 20. चलो 3 के लिए करते हैं. 75 माइनस 5 सॉरी 125 माइनस 5 120. 4 के लिए करते हैं, पावर 4 इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना. इसको सॉल्व करने की 5 रेस टू द पावर 4 क्या आएगा? 625 माइनस 5 620. आप ऐसा करो, 1 के लिए करो, 5 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 5 0. जितने भी नंबर निकले वो सब 4 से डिजेबल है. अगर आप चेक करोगे तो जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब 4 से डिजेबल है. By 4 implies 5k minus 5 is equal to 4. Lambda की जगह कुछ और ले लो, 4 alpha ले लो, alpha times. तो ये क्या आ जाएगा? 24.7 lambda minus 6.4 alpha. ठीक है, ये हो गया 24.7 लैम्डा माइनस 24 अल्फा
24 common 7 lambda minus alpha, which can be write 24 lambda dash, where lambda dash is equal to what? 7 lambda minus alpha. चलो ऐसा करो, नीचे ले लो इस स्टेप को. Is also true for n is equal to k plus 1, implies the given statement is always true for n belongs to capital N. अब पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, जो भी क्वेरीज होगी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे. बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.